अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश हैं। आबाद अल्लाह ताला आपको रखे, अपने और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो मेरे बच्चों की फरमाइश होगी, मामा हमने अंडा और पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलें मैं अपने व्यूअर्स से भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ, मैंने अपना आटा गूंदा है फटाफट और उसका पेड़े बना के रख लिए थे। मैंने कहा चलें वो आसानी हो जाएगी। फिर से अच्छी तरह से बेल दी है मैंने, बेल के मैंने इसे तवे के ऊपर डाल दी है। तो साथ ही मैंने ऑयल डाल दी है इसके अंदर। तो अंडे के लिए मुझे चाहिए था सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची, प्याज और टमाटर चॉप किया हुआ। और स्पाइसेस के लिए हमें चाहिए जीरा, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया और दो अंडे चाहिए थे। आपने ज़ीरा लाजमी डालना है क्योंकि ज़ीरे की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है अंडे में। और ये इतना यकीन करें यम्मी पराठा बनता है ना कि जो बच्चे नहीं भी पराठा खाते वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो पराठा जब हमारा तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से तो हमने इसको साइड पे अलग रख लेना है और अपना अंडे को फ्राई कर लेना है। अंडे का साइज़ आपने उतना रखना है जितना कि आपके पराठे का साइज़ हो। और सुनाएं व्यूअर्स, चलें वो तो साथ साथ काम हो रहा है। साथ मुझे बताएं, आपने मेरी कल की रेसिपी देखी थी, पिज्ज़ा मैंने बनाया था, सो यम्मी, मेरे बच्चों को तो बेहद पसंद आया। आपने भी मुझे ट्राई करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा था मेरा पिज़्ज़ा। और प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी देखे, और लाइक भी करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से ये होता है कि इंसान की थोड़ा सी हौसला अफजाई हो जाती है, इंसान फिर आगे काम करने को दिल करता है कि चलें जी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सी और एफर्ट करेंगे। तो काइंडली आप लोग जो भी सुने प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये देखिए व्यूवर्स, कितना खूबसूरत और ब्राउन सा कलर हमारा पराठे का है, बहुत खूबसूरत कलर है। यकीन करें अगर यहाँ से मैं आपको दिखा सकती, कोई यहाँ से ऐसा सिस्टम होता कि आपको इसकी फ्रेगनेंस बताती कि कैसी अच्छी ज़बरदस्त आ रही है। और ये मैंने अब अंडा फ्राई करने के लिए रख दिया है ऊपर। ये देखें, अब मैंने तकरीबन अपने पराठे के साइज़ जितना मेरा एग का था साइज, तो ये जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो इसके ऊपर हमने अपना पराठा रख देना। और इसे आपने हाथों से थोड़ा सा पुश करना है, लेकिन मुझे तो बहुत हॉट लग रहा था तो मैंने फिर चम्मच से इसको थोड़ा सा दबाया है कि ताकि अच्छे तरीके से अंडा ऊपर हो जाए कवर। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। और ये बहुत अच्छा, बहुत यम्मी पराठा बनता है। यकीन करें आप जरूर बच्चों को ट्राई करवाइएगा, बच्चे इंतहा से ज़्यादा इस पराठे को पसंद करेंगे। ये बिल्कुल पिज़्ज़े की लुक का बनता है, और जिन बच्चों को मतलब आप नहीं चाहते कि वो पिज़्ज़ा वगैरह मत खाएं तो आप उसे ये भी ज़रूर ट्राई करवाइएगा, बच्चे ज़रूर खाएंगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारे पराठे की शक्ल आई है, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी था। मुझे तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि सबर नहीं हो रहा था कि फटाफट मैं ही खा लूँ, लेकिन बच्चे कहते थे पहले हमें दे मम्मा हमें दे, तो इसलिए फिर मैंने पहले बच्चों का बनाया, फिर फारिग होके एंड पे मैंने खाया। ज़ाहिर माएँ तो ऐसी होती हैं बेचारे, पहले एंड पे ही उनको चीज़ मिलती है। ये देखिए फाइनल देखिए कितनी खूबसूरत इसकी आई हुई है। मैंने एक प्लेन पलों वाला पराठा बनाया था, बहुत अच्छा बना। ये देखिए व्यूअर्स कितना अच्छी लुक इसकी आ रही है, बहुत यम्मी लुक आ रही है। मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे चन्ना मेरे। मम्मा कह रही मैं अपने बेटे को पिज़्ज़ा दे रहा नहीं लग रहा था, और बड़ी मुश्किल से मैंने काटा ये।
ये देखिए गाइस कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, ये देखिए। तो मैं अपने बेटे को चिकन चलाई करें और इसके साथ ये चाट था, और ये मेरे बेटा बैठा हुआ था चारों, ये बस छोड़ मम्मा, बहुत हॉट है, हॉट लगा कि तुम ना सो हॉट, तो पास भी नहीं आ रहा। कितने व्यूअर्स, आपको मुझे आप कमेंट्स में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बनाते हैं आलू चिकन, आपने आलू चिकन ट्राई करना है फुल ब्रेकफास्ट।